ग्राम तालोद निवासी कांग्रेस नेता थान सिंह चौहान ने सरपंच सुरेश पोरवाल के ऊपर 10 महीने पहले 10 बिंदुओं की शिकायत जिला पंचायत में की थी। इसमें भ्रष्टाचार सहित अन्य शिकायतें की थी, जिसमें पुनः जांच करवाने पर उन्हें निर्दोष करार देकर सरपंच पद पर वापस बहाल करने के आदेश जारी हुए हैं। इस पर जिला पंचायत सीईओ ने दल बनाकर सभी बिंदुओं की जांच करवाई। इनमें से कुछ बिंदुओं में अनियमितताएं पाए जाने पर जिला पंचायत सीईओ संदीप केरकेटा ने 31 जनवरी 2020 को धारा 40 का नोटिस जारी करते हुए सरपंच सुरेश पोरवाल को पद से हटा दिया था। इसके बाद सरपंच ने आदेश से असहमत होकर एडवोकेट मनीष फरकिया ने मार्फत कमिश्नर उज्जैन कार्यालय में अपील की, जहां सुनवाई के बाद कमिश्नर ने जिला पंचायत सीईओ को 5 अगस्त 2020 को यह आदेशित किया था कि वह पुनः जांच करवाकर प्रकरण का निराकरण करे। इसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने आलोट जनपद पंचायत सीईओ व इंजीनियरों के साथ नया दल गठित करवाकर दोबारा जांच करवाई, जिसमें सरपंच सुरेश पोरवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए इन्हें निर्दोष करार देकर सरपंच पद पर वापस बहाल करने के आदेश जारी हुए हैं। सरपंच पद का चार्ज लेते ही दालोद ग्राम वासियों ने पुष्पमाला पहनाकर खुशियां जताई। शिकायत हुई थी 10 महीने पहले जी जिला पंचायत में जी, जिस चीज को लेके आपको सरपंच पद से हटाया गया था जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कार्यकाल 5 साल का था और कुछ ही दिनों बाकी थे मेरे सरपंच में, और जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, इन्होंने राजनीतिक द्वेष के कारण मेरी ग्राम पंचायत में शिकायत की, और शिकायत 10 बिंदुओं पर की थी इन्होंने। 10 बिंदु पे जब शिकायत की थी, और शिकायत की जो जांच अधिकारी ने जो जांच दल भेजा था जिला पंचायत सीईओ ने, इनके सरकार में प्रभारी मंत्री जी का लेटर गया, विधायक जी का लेटर गया, और थान सिंह जी करके है हमारे गांव के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने मेरी शिकायत की थी, और जिला पंचायत सीईओ ने जांच दल बना के भेजा था। चूँकि जनपद पंचायत और जिला पंचायत कांग्रेस के दबाव में, ना तो इंजीनियर आया ना ही आया, केवल समन्वयक अधिकारी मेहरा करके थे, वो जांच दल बना के आए थे यहाँ पे, और इन्होंने जनपद में बैठकर जांच की, ना कि जमीन पे जांच की, जबकि जांच होना थी उन्होंने की था सीमेंट कंक्रीट में, कुछ इन्होंने गड़बड़ करी है, पानी के टैंकर नहीं है, पेयजल टंकियाँ नहीं है, इस प्रकार से 10 बिंदु पर शिकायत की थी, और जाँच यहाँ मौके पर नहीं हुई थी, और इन्होंने दबाव, राजनीतिक दबाव मुझे पद से पृथक कर दिया था। 10 महीने तक पद से पृथक रहा मैं। आज दोबारा जांच होने के बाद आपको जिला पंचायत द्वारा वापिस सरपंच पद पर नियुक्त किया गया, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी जांच में, मेरी जो जांच हुई थी, जांच में मैं असंतुष्ट होकर मैंने मेरी अपील कमिश्नर आयुक्त उज्जैन को लगाई थी। कमिश्नर साहब ने पुनः जांच के आदेश करे, और जांच में उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत तालोद में टेक्निकल जांच नहीं हुई है, टेक्निकल जांच इंजीनियर ई से जांच होना थी, वो जांच नहीं हुआ, पुनः जांच करके मुझे अवगत कराए। जिला पंचायत सीईओ को चिट्ठी लिखी कमिश्नर साहब ने, कमिश्नर साहब ने वापस जनपद सीईओ को चिट्ठी लिखी, जनपद सीईओ ने ग्राम पंचायत तालोद में एक दल गठित करा, जिसमें हमारे ई साहब चतुर्वेदी साहब, इंजीनियर मालवी जी और समन्वयक अधिकारी मेहरा जी के द्वारा, रामलाल जी सूर्यवंशी के द्वारा ग्राम पंचायत में जांच हुई, जिसमें मुझे एक प्रतिवेदन दिया गया कि 31 तारीख को जांच करने आएंगे। सामने वाली पार्टी को प्रतिवेदन दिया, ग्रामवासी 200 लोग मेरे साथ में थे, और पूरे गांव में हर चीज़ का जांच हुई, जिसमें सीमेंट कंक्रीट की जांच हुई, पेयजल टंकियों की जांच हुई, पानी के टैंकर की जांच, जो भी शिकायत की थी बिंदु वाइज जांच हुई, और उनके फोटोग्राफ साथ में संलग्न करें, और जांच दल ने रिपोर्ट जनपद पंचायत को भेजी, जनपद पंचायत जिला पंचायत सीईओ को जांच रिपोर्ट भेजी, जिला पंचायत सीईओ ने पूरा जांच का निष्कर्ष निकालने के बाद मुझे पद से बहाल किया। इसलिए मैं पूरे प्रशासन का और सरकार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे न्याय मिला है। यह सत्य की जीत हुई है, यह सत्य की जीत हुई है, मुझे न्याय मिला, और मेरी विचारधारा गांव कैसे आगे बढ़े, मेरी विचारधारा विकास की है, न कि गांव को पीछे धकेलने की है। इनकी विचारधारा गलत है, इन लोगों ने शिकायत करी, मैंने मेरे कार्यकाल में कम से कम 2 करोड़ के काम करे हुए, सीमेंट कांकरेट काम, ग्राम पंचायत प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 150 लोगों को लाभ दिया, मुख्यमंत्री के माध्यम से 20 लोगों को ग्राम पंचायत लाभ दिया, सुदूर सड़क के माध्यम से खेत से सड़क को जोड़ने का काम करा, और जो भी काम करना है जनप्रतिनिधि करना चाहिए था, मुझे जो दायित्व दिया जनता ने, उसका ईमानदारी से निर्वाह करा ग्राम पंचायत तालोद में। KNN न्यूज़ के लिए आलोट से दीपक जोशी की रिपोर्ट।